दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज का वीडियो थोड़ा सा दोस्तों कुछ अलग ट्रैक पे जाने वाला है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रातों रात दोस्तों कहां से कहां पहुंच जाता था। लेकिन दोस्तों ये जो चीजें है ना, बिहाइंड द सीन्स अलग होती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो बंदा लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, लेकिन दोस्तों ये हर इंसान के साथ नहीं होता। कुछ लोग दोस्तों कम मेहनत करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों मेहनत कर करके मर जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं होता। और कुछ ऐसी गलतियां दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर भी करते हैं जिनके हिसाब से उनका बड़ा बड़ा चैनल डूब जाता। आज दोस्तों मैं आपके लिए तीन ऐसे इंडिया के YouTube चैनल लेके आया हूं दोस्तों, इंडिया के तीन टॉप चैनल्स जिनको डेफिनेटली आपने फॉलो किया होगा। मैं खुद उनको दोस्तों ब्लाइंडली फॉलो करता था, लेकिन दोस्तों ये खास करके ये वो चैनल है जो YouTube के बारे में ही बताते थे। मतलब YouTube दोस्तों मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की तो मैंने भी दोस्तों इनके वीडियोस देखे, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला, तब जाके हमने वीडियोस बनाया। और दोस्तों आज हम जैसे-जैसे हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये वीडियोस बनाने वाले चैनल जो टॉप मोस्ट चैनल थे, जो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, 15-15 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद दोस्तों डूब गए, ऑलमोस्ट दोस्तों डूब गए, दिख नहीं रहे मार्केट के अंदर। ऐसा दोस्तों इनके साथ क्या हुआ, कौन से चैनल है और ये कौन सी ऐसी गलतियां थी दोस्तों जो हमने ऑब्जर्व यहां पे करी, और यहां पे इनके चैनल्स को दोस्तों यहां पे भट्टा लग गया, इनके चैनल्स बंद हो गए ऑलमोस्ट। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं YouTube बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोस्तों रातों रात शोहरत मिलती तो रातों रात दोस्तों चीजें भी बर्बाद हो जाती है। ऐसा भी दोस्तों इस YouTube प्लेटफॉर्म पे होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बहुत मेहनत यहां पे करते हैं, लेकिन सडनली पता नहीं ऐसा तो क्यों होता है। पहली चीज मैं मेरे बारे में ही बता दूं फ्रेंड्स, पिछले 3.5 साल से मैं वीडियो बनाता हूं, 3.5 साल से कंटिन्यूसली। मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जिसने ऑलमोस्ट 3000 वीडियोस 3 साल के अंदर बना दिए। हमने बनाए, हमने भी दोस्तों बहुत सारी गलती की। हमारे पहले 1 साल के अंदर हमारा कोई फिक्स नहीं था, मतलब हर टॉपिक पे वीडियो बनाते थे। पिछले 1.5 साल से स्टेबल फोकस है कि यही हमें टेलीकॉम सेक्टर के अंदर फाइबर ब्रॉडबैंड टेलीकॉम इन सारी चीजों के बारे में वीडियो बनाना है। और अभी भी दोस्तों YouTube का जो एल्गोरिथम है थर्ड क्लास एल्गोरिथम, जिसके हिसाब से मेरे वीडियोस नहीं जाते हमारे सब्सक्राइबर के पास, 1,60,000 सब्सक्राइबर के पास, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैं लगा हूं, लगा रहूंगा और आपको लगा रहना। अगर आप लगे रहेंगे दोस्तों, काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बोलते हैं ना गीता में लिखा है कि कर्म कर फल की आशा मत रख, उस चीज पे हम यहां पे फोकस है हमारा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे नाम आपको बताऊंगा जिनको देख, क्योंकि YouTube के बारे में दोस्तों ये चैनल्स बताते थे, तीन बड़े चैनल्स हैं, यस तीन बड़े चैनल्स जो दोस्तों खुलासा करने वाला हूं, जरूर देखना आप इस वीडियो में, स्किप मत करना पूरा वीडियो। इन तीनों चैनल को दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया, इन चैनलों में 3 साल से दोस्तों कंटिन्यूअस देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तो चैनल दिख ही नहीं रहे। ये क्यों नहीं दिख रहे, इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। ये क्यों दोस्तों ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुके, बंद हो चुके, ऑलमोस्ट अभी दिखते ही नहीं दोस्तों। और इनकी ग्रोथ इतनी कम हो चुकी है कि मतलब 15-15 लाख सब्सक्राइबर होने के अभी 2-3 हजार 5 हजार सब्सक्राइबर 5 हजार व्यूज से इनके वीडियोस पे नहीं आते हैं। अब दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, अगर बात की जाए टर्म्स में तो ये डेड चैनल हो चुके हैं। चलिए फटाफट से ले चलता हूं दोस्तों आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाता हूं दोस्तों इनके चैनल्स, इनके नाम, और दिखाता हूं दोस्तों ऐसी कौन सी गलतियां थी जो इन्होंने की और इसके हिसाब से इनके चैनल्स की आज ये दुर्दशा हो चुकी है। चलिए मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन पर दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहला नाम दोस्तों यहां पर है YT Advice दोस्तों अपना भाई है। इनके वीडियोस मैंने बहुत देखे आज से 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, 3 साल पहले स्टार्ट किया था, लेकिन 1 साल बाद मैंने इनके वीडियोस देखे। YouTube के बारे में बड़े तगड़े वीडियो बनाते थे, डिटेल में आपको समझाते थे कैसे क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है, क्या बनाना, थंबनेल वंबनेल ये वो, कॉपीराइट क्या होता है, सारी चीजें आपको बताते थे। लेकिन दोस्तों आज इनका हालत क्या है, इनके सब्सक्राइबर 2.5 लाख सब्सक्राइबर, 2,56,000 सब्सक्राइबर आज से दोस्तों 1.5 साल पहले भी यही थे और आज भी दोस्तों सब्सक्राइबर इतने। अगर वीडियोस की बात करूं उन्होंने लास्ट वीडियो कब डाला था, तो इनका चैनल है दोस्तों आप देख सकते हैं इनका लास्ट वीडियो 3 साल पहले, यस तो मैं बता रहा हूं दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, इसका मतलब लास्ट वीडियो 3 साल पहले डाला था, उसके बाद दोस्तों कोई वीडियो इनका यहां पर नहीं आया। आप देख सकते हैं यहां पे ये भाई का कोई वीडियो देखने को नहीं मिला, लेकिन इनके वीडियोस देखेंगे, एक चीज देखना है 3 साल पहले वीडियो था लेकिन आज भी दोस्तों वीडियो चल रहा है, ऑलमोस्ट 8.5 लाख 8.5 लाख 1,20,000 मतलब 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख दोस्तों इनके वीडियो देख रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ इनके वीडियोस फेल नहीं हुए, इनके वीडियोस तगड़े चल रहे और आज भी चल रहे हैं, लेकिन भाई गायब हो गए, कहीं नहीं दिख रहे दोस्तों भाई। और इनका दोस्तों आप चैनल देख सकते हैं 2.5 लाख सब्सक्राइबर पे ही 2,56,000 सब्सक्राइबर पे यहां पे हैंग हो चुका है, रुक चुका है। यस YT एडवाइस यानी YouTube एडवाइस का दोस्तों चैनल था, बंदा अच्छे वीडियो बनाता था, दिल से बनाता था, मतलब यहां पे बहुत डिटेल में जो आपको YouTube चैनल के लिए जो जो गलतियां नहीं करनी ना वो सारी चीजें आपको बताते थे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी इन्होंने गलती करी, ये भाई दिख ही नहीं रहे और इनके चैनल की ग्रोथ रुक चुकी है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर पे रुक चुके हैं। हालांकि इनके वीडियोस पुराने वाले चल रहे हैं, लेकिन इनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। तो ये पहला चैनल दोस्तों और इनकी गलती दोस्तों, ये कोई दूसरी गलती इनका चैनल ऑब्जर्व करने का ऐसा तो लग नहीं रहा इन्होंने कोई गलती करी है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने वीडियो डालना बंद कर दिया है। अगर आप वीडियो डालना बंद कर देंगे अभी 3 साल तक, तो डेफिनेटली कोई भी कितना ही बड़ा सक्सेस होकर शाहरुख खान दोस्तों मूवी बनाना
खत्म कर देगा 10 साल तक 5 साल तक नहीं आएंगे तो शाहरुख खान को लोग भूल जाएंगे। आपको कंटिन्यूसली लोगों के बीच में आना है, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आप एक एंडोर्स करते हैं, आप किसी चीज को बताते हैं, कोई समझाते हैं, टीचर हैं, तो आपको आना पड़ता है पब्लिक के बीच में। अगर नहीं आएंगे तो पब्लिक भूल जाएगी, कोई दूसरे चैनल पर चले जाएगी, दूसरी दुकान पर चली जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी स्क्रीन पर एक बड़ी चीज लिखी YT एडवाइस की, दोस्तों बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, लेकिन दोस्तों ये इस चीज को फॉलो नहीं कर सके खुद, दोस्तों यहाँ पे कहाँ चले गए पता नहीं चला। फिलहाल इनका चैनल दोस्तों ऑलमोस्ट 1.5 हो चुका है, 256,000 सब्सक्राइबर, लेकिन कोई भी 3 साल से एक भी वीडियो नहीं है, तो ये चैनल 1.5 हो चुका है। दूसरा चैनल दोस्तों क्या कैसे, ये बहुत बड़ा दोस्तों चैनल है और यहाँ पे एकता मैडम है दोस्तों, इनके वीडियो मैंने बहुत देखे और बड़े तरीके से सलीके से इनकी जो भाषा है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह दोस्तों समझाते हैं, इनके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। और आज दोस्तों इनका आप देखेंगे क्या हालत हुई है, क्योंकि इनके पहले दिखा दूं दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 1.02 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर है, 10 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे इनके, आपको पता चल जाएगा इनके जो वीडियोस में दिखा रहा हूं 7 साल इनके जो टॉप मोस्ट वीडियोस है ना वो आप यहां पे देखेंगे, फेसबुक के बारे में ट्यूटोरियल है, व्हाट्सएप के बारे में ट्यूटोरियल है, यहां पे नंबर ऑफ काउंट्स देखेंगे व्यूज का 3.5 मिलियन, 35 लाख लोगों ने देखा, 30 लाख लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने देखा, मतलब ये सब है। लेकिन अभी फैक्ट देखेंगे आप, ये फैक्ट देखिए आप, जो लेटेस्ट वीडियोस इनके 5 दिन पहले, 3 वीक पहले, 3 वीक पहले मतलब 1 महीने पहले, तो जो बंदा यहां पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर 10 लाख सब्सक्राइबर के साथ था, उनके दोस्तों जो पहले व्यूज आया करते थे, आप देखेंगे मिलियन मिलियन में व्यूज आते थे, आज उनके व्यूज कितने आ रहे हैं यहां पे, आज इनके व्यूज आ रहे हैं 2,000-2,500, ठीक है, पूरे 3 वीक यानी महीने के अंदर 4,500 व्यूज, ठीक है, ये महीने के अंदर 3,500 व्यूज, पूरा महीना चला गया 2,30,000 व्यूज, ये देखेंगे सारे के सारे वीडियोस इनके, ये कोई भी 5,000 को क्रॉस नहीं किया, ये 2 महीने पहले इन्होंने एक वीडियो डाला था जो यहां पे 2,500 व्यूज यहां पे आए, ठीक है, 6 महीने पहले डाला था ऑलमोस्ट 9,500 व्यूज यहां पे आए, और 7 महीने पहले डाला था यहां पे 9,000 व्यूज, मतलब एक टाइम पे इनके वीडियोस यहां पे ट्रेंड करते थे, यूट्यूब पे ट्रेंड करते थे, लोग इनके वीडियोस को देखने के लिए मरते थे, लेकिन सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ इनके साथ और इनके वीडियोस चलना बंद हो गए। हां हालांकि इनमें एक चीज तो है कि कॉन्स्टेंटली वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि देखेंगे लेटेस्ट वीडियो इन्होंने जो डाला है मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, लेटेस्ट वीडियो इनका 5 दिन पहले आया है, ठीक है, यहां पे हैप्पी लोहरी बता रहे हैं, मतलब लोहरी की शुभकामना यहां पे दे रहे थे, उसके बाद देखेंगे बहुत सारी यहां पे नए साल के लिए व्हाट्सएप ऐप स्टिकर वगैरह बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है, लेकिन वीडियोस भी कॉन्स्टेंटली इनके डेली तो नहीं आ पा रहे, लेकिन वीक 2 वीक में 15 दिन में एक वीडियो आ रहा है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। व्यूज क्यों नहीं आ रहे दोस्तों, क्यों, रीजन तो मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल यूट्यूब का जो सिस्टम है इतना थर्ड क्लास हो चुका है कि यूट्यूब दोस्तों बड़ा हो या छोटा यूट्यूबर उनके वीडियोस को आगे तक पहुंचाता ही नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं देता लोगों को, तो ये एक रीजन तो मुझे तो लग रहा है, मैंने यूट्यूब में 50 कंप्लेन कर दी लेकिन यूट्यूब सुनने वाला नहीं, इसका तो एक ही रीजन है, करते जाओ कोई ना कोई वीडियो तो डेफिनेटली वायरल हो ही जाएगा, यूट्यूब से तो कोई उम्मीद मत रखो, काम करते जाओ। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों ये लोग पता नहीं काम नहीं कर रहे हैं या इनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा चैनल जो ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और हकीकत में तो बहुत बढ़िया यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, यूट्यूब के बारे में सारे वीडियोस यहां से मैं देखता हूं और ये हकीकत में अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनके चैनल की भी हालत अभी ग्रोथ बहुत रुक चुकी है, तो एकता मैडम का चैनल भी फिलहाल दोस्तों यहां पे रुका रुका सा नजर आ रहा, तो ये भी एक दूसरा चैनल है जो फिलहाल यूट्यूब में इतने सारे सब्सक्राइबर 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद 2,000 लोग भी इनके वीडियोस को नहीं देख रहे, कहां 10 लाख सब्सक्राइबर 2,000 लोग वीडियो नहीं देख रहे, कुछ तो पंगा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब चलते हैं नंबर 1 दोस्तों चैनल जो है यहाँ पे माय स्मार्ट सपोर्ट दोस्तों धर्मेंद्र भाई दोस्तों ये हैं जिनका वीडियो देख के मैं एक्चुअली प्रेरित हुआ था, इनका पहला वीडियो जब देखा था इन्होंने टेक्निकल गुरुजी को चैलेंज किया था कि उनसे ज्यादा व्यूज में लेके आऊंगा या ऐसा वैसा, ये बहुत सारी चीजें थी, थंबनेल थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्लिकी था, लेकिन हकीकत में उसके बाद इनके वीडियोस मैंने देखे, यूट्यूब के बारे में बंदे एकदम देसी तरीके से बताते, एकदम देसी है भी, ठीक है, गांव देहात का बंदे दोस्तों, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए। सब्सक्राइबर काउंट की बात कर लिया तो 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब यहां पे 13 लाख सब्सक्राइबर और 5,000-6,000 व्यूज यहां पे आ रहे हैं, कुछ भी मतलब वो नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है वो भी बता दूं, क्योंकि इन्होंने पहली चीज तो हमें कॉन्स्टेंट यहां पे वीडियो नहीं आ रहे, देखें 3 वीक पहले डाला था और एक आज डाला, मतलब एक महीने पहले डाला था और एक आज डाला, मतलब कोई कॉन्स्टेंट नहीं, पहले ये हर 2 दिन में एक वीडियो डालते थे, तो एक तो कॉन्स्टेंसी का दोस्तों प्रॉब्लम है, यहां पे डेली वीडियो नहीं आ रहे, कम से कम 2 दिन या 3 दिन एक फिक्स कर लो वीडियो डालना है तो डालना ही है, ठीक है, तो वैसा यहां पे नहीं हो रहा है, हालांकि इन्होंने ये चीज हमें सिखाई लेकिन ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वैसा नहीं हो रहा। दूसरी चीज देखेंगे दोस्तों इनके चैनल पे कुछ ऐसे
ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पे वीडियो डाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक भाई साहब है, आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने खुद ने भी, जैसे ये भाई साहब है ठीक है, ये कोई दूसरा यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इनवाइट अर्न और ये अलग 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 चीजें, मतलब इनके चैनल पे कोई दूसरे वीडियो डाल रहे, इन्होंने किसी दूसरे को भी दिया वीडियो डालने के लिए। उस पर देखेंगे 2 महीने पहले वीडियो डाला था, 2500 लोगों ने भी नहीं देखा ठीक है। उसके बाद यही भाई साहब दोस्तों दूसरे भी वीडियो में कहीं पे आपको देखेंगे, मतलब ये जो वीडियो है इनके चैनल पे वीडियो डालते हैं। और मोस्टली ये देखेंगे जितने भी वीडियोस अभी है, देखो इन्होंने एक और वीडियो डाला भाई साहब ने डेटा एंट्री का, 3 महीने पहले डाला था, 2500 लोगों ने भी नहीं देखा, मतलब इनका चैनल कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, मतलब इनके प्लेटफॉर्म को वो यूज कर रहा है, इनको खुद को यूज करना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन एक चीज देखेंगे, इनके लास्ट वीडियोस देख लेंगे, पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूली सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे प्रमोशन के लिए हैं। ज्यादातर दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन किया जा रहा है, ज्यादातर यहाँ पे कंपनियों से पैसा लेके या कंपनी की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रमोशन ठीक बात है, कम करते हैं हम भी लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे क्या था, महीने में कभी एक प्रमोशन कर दिया तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको हर वीडियो में प्रमोशन, मतलब हर वीडियो कोई ना कोई चीज चिपकाने की बात यहाँ पे चल रही है, जो लोगों को डेफिनेटली अच्छी नहीं लगेगी। आप यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब का नॉलेज देते हैं, तो वही चीज आपको करनी चाहिए। कभी कभी अगर आप पैसे को ज्यादा चूज करने जाएंगे और काम को नहीं करेंगे तो पंगा होता है। एक चीज ये भी चीज देखने को मिल रही है कि यहां पे मोस्टली इनकी जितने भी है कोई ना कोई वेबसाइट है, कोई ना कोई लाइट कूलर एसी और ये सारी चीज आप देखेंगे यहां पे, कोई ना कोई चीज मतलब प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन यहां पे इनका बहुत चल रहा है। और इस प्रमोशन के चक्कर में दोस्तों ऐसा लगता है कि इनका चैनल डूबता हुआ जा रहा है। 13 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद धर्मेंद्र जी का चैनल फिलहाल दोस्तों यहां पे डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कोई नहीं, एक वीडियो में तो रो भी रहे थे बीच में, आपने देखा हो तो डेफिनेटली। लेकिन अब दोस्तों इनके चैनल की हालत बहुत खराब है, 13 लाख सब्सक्राइबर के बाद अगर व्यूज नहीं आते तो हालत टाइट है, क्योंकि अभी इनके 5000-6000 व्यूज से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। तो ये तो मुझे दोस्तों इनमें कुछ चीजें इनको लगी, हालांकि मैं कोई नहीं होता जज करने के लिए, क्योंकि इनको तो हम देख के बड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक पहली चीज तो कोई दूसरे को थर्ड पार्टी को अपना चैनल देना गलत चीज है, रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं आ रही, दूसरी चीज ऐसी लग रही, तीसरी चीज की बहुत ज्यादा ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। आपको अपना कोर पे रहना चाहिए, आप यूट्यूब की नॉलेज देते हैं, यूट्यूब की नॉलेज दीजिए, रेगुलर बेसिस पे दीजिए, काम होगा। एक चीज तो है जो इनके हाथ में नहीं, जो मेरे हाथ में नहीं, वो है YouTube का एल्गोरिदम, जो इतना थर्ड क्लास हो चुका है, मैं मुंह पे बोलता हूं, हकीकत में दोस्तों मतलब कितनी भी मेहनत आप कर लो, कितने भी वीडियो आप डाल लो, आपको आगे लेके नहीं जाता। और कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जो कुछ भी नहीं करते, बेकार थर्ड क्लास कंटेंट बनाते हैं, उनके वीडियोस को बहुत आगे लेके जाया जाता है, उनको यहां पे लाखों लाखों व्यूज मिलते हैं। मेरे ही वीडियो को देख के टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज में जो देता हूं सबसे पहले, उसको देख के लोग 2-3 दिन बाद वीडियो बनाते हैं और वो बासी न्यूज भी मेरे से ज्यादा व्यूज लेके आती है। तो आप समझ सकते हैं कितना थर्ड क्लास है YouTube का एल्गोरिदम। तो ये पंगा तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पंगे जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इनके नसीब के साथ जुड़े, पता नहीं क्यों। लेकिन 3 ऐसे चैनल थे जो YouTube के अंदर दोस्तों टॉप मोस्ट सीट्स पे पहुंचे, उसके बाद दोस्तों अपने नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल इनकी हालत बहुत खराब है, ये ऑलमोस्ट डेड चैनल हो चुके हैं। फ्रेंड्स मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है कि इनको, इन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और आपने दोस्तों मेरी जो एनालिसिस है आप कितने प्रभावित है, आपको कुछ लगता है दोस्तों? अगर मैंने कुछ गलत बोला तो नीचे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, और अगर आप एक चैनल बनाना चाहते तो इनसे कुछ सीखने को मिलेगा आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो डेफिनेटली आपकी आंखें खुल चुकी होगी YouTube के एज अ करियर देखने के लिए। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो डील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।